जब राजेश खन्ना को सबक सिखाना चाहते थे धर्मेंद्र, सेट पर गुस्से से हुए आग बबूला, भनक लगते ही खिसक लिए थे काका। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी सिनेमा के 70-80 के दौर को आज भी खूब लोग याद करते हैं। उस दौर की फिल्में हो या गाने, लोगों की जुबान पर आज भी उनका नाम रहता है। दोस्तों, हर फिल्म के कुछ खास किस्से कहानियाँ होती है जिनको दर्शक जानना चाहते हैं। करीब 34 साल पहले आई एक हिट फिल्म का किस्सा आपको बताते हैं, जिसको शायद ही आप जानते होंगे। ये किस्सा है बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के बीच के। दोस्तों, बॉलीवुड में हर फिल्मों के साथ कुछ मज़ेदार कहानियां और किस्से बन जाती है। कुछ किस्से चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं, कुछ उदासी, तो कुछ किस्सों को जानकर हम हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, यूं तो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के अलग अलग अपने कई किस्से सुने होंगे, लेकिन आज आपको उस दौर का वो किस्सा सुनाएंगे जो दोनों के बीच एक फिल्म के शूटिंग के दौरान हुआ था। इस किस्से को आज भी शायद धर्मेंद्र भूल पाएंगे। दोस्तों, राजेश खन्ना सदी के पहले सुपरस्टार कहलाए। एक वक्त था जब हिंदी सिनेमा की हर दूसरी फिल्म में राजेश खन्ना लीड रोल में होते थे। एक के बाद एक साल में कई फिल्मों में वो दिखाई देते थे। उनकी फिल्मों को लोग काफ़ी पसंद भी करते थे। दोस्तों, इसीलिए मेकर्स की पहली पसंद भी राजेश खन्ना ही हुआ करते थे। राजेश खन्ना जब सुपरस्टार बन चुके थे तब धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में एंट्री ली। धर्मेंद्र और राजेश खन्ना ने साथ में साल 1984 में आई फिल्म धर्म और कानून में साथ काम किया था। फिल्म में दोनों साथ नजर आए थे, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में काका ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, उन दिनों राजेश खन्ना भले ही अपनी फिल्मों से लोगों के दिलों पर राज करते थे, लेकिन उनकी एक आदत से उनके स्टार के साथ फिल्म यूनिट काफ़ी परेशान रहती थी। दरअसल लगातार हिट होती फिल्मों से उनका बर्ताव थोड़ा बदल चुका था। दोस्तों, और वह सेट पर अक्सर देर से आया करते थे, जिसकी वजह से सेट पर बाकी सभी लोगों को उनके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। उनकी इसी आदत की वजह से कई बार शूटिंग भी ढीले होती थी, क्योंकि वो सुपरस्टार थे, इस वजह से उनको कुछ कोई नहीं कह पाता था। लेकिन उनकी इस आदत से धर्मेंद्र इतना परेशान हो गए थे कि वो गुस्से से आग बबूला हो गए। दोस्तों, बॉलीवुड के ही मैंने उन्हें सबक सिखाने का ठान लिया। काका सेट पर लेट से पहुंचे और सीधे अपने मेकअप रूम में चले गए। तभी गुस्से से तमतमाते धर्मेंद्र उनके मेकअप रूम में जाने लगे। दोस्तों, धर्मेंद्र गुस्से में भरे बैठे ही हुए थे कि इस बात को पहले ही किसी शख्स ने जाकर काका के कानों तक पहुंचा दिया। बस फिर क्या था, राजेश खन्ना ही मैन के गुस्से से बचने के लिए घबराकर उस वक्त कमरे के पीछे के दरवाजे से 9-2-11 हो गए। दोस्तों, हालांकि फिर ही मैन ने अगले ही दिन अपने गुस्से को भूलकर और फिल्म की शूटिंग पूरी की। ये फिल्म 1984 की हिट फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के रियल स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।